हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ लिनोवो का मिनी पीसी, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास कम बजट है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और कम बजट के अंदर में बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। बिना टाइम वेस्ट किए इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, इसके अंदर कौन सी रैम लगने वाली है, इसके अंदर में ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, ये जो लिनोवो मिनी पीसी है, इसका जो मॉडल नंबर है वो है लिनोवो थिंक सेंटर M700। इस लिनोवो थिंक सेंटर के अंदर मैं लगाने जा रहा हूँ i5 6 जनरेशन का प्रोसेसर, 8GB की रैम और 256GB के SSD। वैसे तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना इसके अंदर लगाना है, आप अगर चाहते हो इसके अंदर 16GB रैम लगाना तो 16GB भी लगा सकते हो और साथ ही साथ में 512GB के SSD लगा सकते हो, या i3 6 जनरेशन लगा लो या फिर i7 का 6 जनरेशन आप इसके ऊपर लगा सकते हो। बाकी आप इसके डिजाइन को देख सकते हो, लुक और डिजाइन एकदम ऑसम है इसका। और साथ ही साथ में आप देख सकते हो इसके स्लॉट्स के बारे में, फ्रंट पे दो USB 3.0 के स्लॉट्स दिए हुए हैं और आपका दो 3.5mm का जैक, साथ में एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। इसके बैक साइड में अगर आपको मैं दिखाऊं तो बैक साइड में भी आपके 4 3.0 USB स्लॉट दिया हुआ है, एक RJ45 का भी स्लॉट दिया हुआ है और 3.5mm का एक जैक दिया हुआ है, दो DP स्लॉट दिया हुआ है इसके अंदर में, यानी आप दो मॉनिटर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में इसको ऑन करने के लिए आपको 65 वॉट का चार्जर लगाना पड़ेगा ताकि ये मिनी पीसी हमारा ऑन हो सके। इस छोटे से मिनी पीसी के ऊपर आप सारे काम कर सकते हो, वो चाहे गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो या मल्टीटास्किंग कोई भी काम करना हो, एजुकेशनल काम करना हो, ऑनलाइन काम करने हो, सारे काम आप इसके ऊपर कर सकते हो। साथ ही साथ में ये बहुत ही इजी कैरिंग है, इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो अपने बैग के अंदर रख के, बिल्कुल छोटा सा साइज है। तो चलिए मैं आपको इस लिनोवो मिनी पीसी को अंदर से खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से दिखने में कैसा है। तो भाई, इसको खोलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप आगे की तरफ इसको थोड़ा सा पुश करोगे तो ये ऐसे करके खुल जाएगा और ये खुलने के बाद आप देख सकते हो। तो ये है इसका हीट सिंक जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगता है और साथ ही साथ में ऊपर दिया हुआ है एक एग्जॉस्ट फैन और इसी के बगल में आपको एक केस मिलेगा जिसके ऊपर आप साटा की SSD लगा सकते हो और इसी के नीचे आपको रैम का स्लॉट दिया हुआ है जिसपे आप DDR4 की कोई सी भी रैम लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको अब इसके प्रोसेसर को दिखाता हूँ। उसके लिए आपको ये फैन को हटाना पड़ेगा, फैन को हटाओगे उसी के नीचे आपको ये हीट सिंक भी हटाना पड़ेगा। ये हीट सिंक को हटाने के बाद ये रहा हमारा प्रोसेसर का स्लॉट जिसके ऊपर हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके ऊपर आप i3, i5, i7 तीनों लगा सकते हो, तीनों आपका 6 जनरेशन के अंदर ही लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। इसका प्राइस हमारे यहाँ से अगर आप लेते हो तो 10,000 से 12,000 के रेंज में आपको ये मिलने वाला है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप ये लेते हो, और अगर आपको ये ऑनलाइन सस्ता मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी जाके ले सकते हो। तो भाई, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे भी आपके लिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।